बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो फिब्रोमायल्जिया पर कि फिब्रोमायल्जिया है क्या। मैंने दो वीडियो बनाई, एक फिब्रोमायल्जिया, दूसरी वीडियो पॉलीमायल्जिया। फिब्रोमायल्जिया है क्या, मैंने वीडियो बनाई, एक भाई साहब है, डॉक्टर है, उनकी सिस्टर को कहीं फिब्रोमायल्जिया है, उनकी सिस्टर ने वीडियो देखी, वीडियो देखकर उन्होंने भाई से बात की होगी, तो भाई साहब ने मुझे फोन खड़का दिया। मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपने दो ट्रीटमेंट बताई हैं उसके अंदर, एक तो बताया कि खमीरा गौजबान और दूसरा खमीरा मरवारी, ये दोनों ही मैंने आज तक नहीं सुनी कि यह फिब्रोमायल्जिया की ट्रीटमेंट है या कोई पेन किलर है। तो आप ये क्यों, अब आगे से उसने जो अल्फाज कहे मुझे, मैं बहुत हैरान हूं कि बरातर शायद बहुत गुस्से में थे कि मैंने ऐसे कैसे कह दिया। और साफ साथ ही उन्होंने मुझे कहते आपको पता है फिब्रोमायल्जिया क्या होता है। मैं कहता सर मुझे तो मालूम नहीं है कि फिब्रोमायल्जिया क्या होता है। तो कहते फिर ट्रीटमेंट आप क्यों बता रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैंने गलती कर ली, लेकिन आइंदा के लिए मैं मोहतात होऊंगा इंशाल्लाह कि मैं ऐसी को ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा। और मैं साथ हंसने लग गया, काफी गर्म थे वो। तो बरादर मैंने आपसे कहा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आपको डायरेक्ट सेंड करूंगा, क्योंकि आपका नंबर भी मेरे पास है अब। सॉरी, चलो मुझे तो मालूम नहीं है कि फिब्रोमायल्जिया क्या है, और मैं आपको जो बताऊंगा कि फिब्रोमायल्जिया क्या है, मुझे आप गलत साबित कर देना कि यह फिब्रोमायल्जिया की वजह नहीं है, तो जो जुर्माना कहोगे मैं तो अदा करूंगा आपको, जो सजा कहोगे मैं लूंगा आपको। आपने शायद सभी को एक जैसा समझ लिया, डॉक्टर साहब ऐसे नहीं करते। आपके हैं फिब्रोमायल्जिया इज ए क्रॉनिक लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर दैट कॉज पेन एंड टेंडरनेस थ्रू आउट द बॉडी एज वेल एज फटीग एंड ट्रबल स्लीपिंग। ये फिब्रोमायल्जिया है। आगे सुनो क्या कहते हैं आपके ही साइंटिस्ट, डू नॉट फुली अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज इट। आपको तो साइंसदानी कह रहे हैं, जिनकी किताबें आप पढ़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम इसको सही तरीके से समझ नहीं सके। अगर वो सही तरीके से समझ नहीं सके, डॉक्टर साहब अगर मैं गलती करूं तो आपको इतना गुस्सा किस लिए आ गया। तो बरादर मैं आपको बताता हूं और मुझे गलत साबित कर देना कि ये वहां की प्रॉब्लम नहीं है जहां से मैं बताऊंगा आपको। आगे सुन लें, आपके साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं देयर इज नो क्योर फॉर फिब्रोमायल्जिया बट द कंडीशन मे गो इनटू रिमिशन फॉर वीक्स और इवन इयर्स एट टाइम। सालों तक चल सकती है, हफ्तों में भी रह सकती है, लेकिन इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इवन थो फिब्रोमायल्जिया इज ए कंसिडर्ड ए क्रॉनिक कंडीशन। अब मुझे यह बताएं, आपको तो साहब यहां पर कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम है इसका, आप मुझे कैसे कह रहे हैं। मैं तो चलो आपने कहा था ना हकीमों का क्या पता, चलो मैं तो हकीम हूं ना। आपके साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और मैं इस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं आपसे। फिब्रोमायल्जिया के लिए कोई टेस्ट नहीं है करंटली, देर आर नो स्पेसिफिक लेबोरेटरी आर अमेजिंग टेस्ट फॉर फिब्रोमायल्जिया। अब मैं हम लोग अगर सिम्टम से एनालिसिस करते हैं कि इसको क्या है, तो आपके पास भी तो कौन सा टेस्ट है सर। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने खमीरा मरवारीत और खमीरा गौजबान क्यों प्रेस्क्राइब किया। सॉरी आज मेरा गला खराब है जरा, आप सुन लीजिए कि ये प्रॉब्लम मसल्स पेन नहीं है। सुबह को उठते हैं जोड़ों में दर्द होती है, जोड़ जुड़े होते हैं, ये जोड़ों का प्रॉब्लम नहीं है। एक और बहन है लाहौर से, उनके बहनोई जो हैं वो डॉक्टर हैं, उन्होंने उनको डलोक्सिटन प्रिस्क्राइब किया हुआ है, एटिनोलॉल उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, और रात के टाइम पर लेक्सोटानल दे रहे हैं, यानी कि नशे की फुल। अब वो भी उन्होंने कैरोप्रैक्टिक भी कराई, फिजियोथेरेपी भी करवाई, तो मैंने फिर उनको बताया कि मेरी बहन ये तो प्रॉब्लम ही इसकी नहीं है, ये मसल्स की दर्द होती है, लेकिन मसल्स पेन मसल्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये जोड़ों की प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब सुने, और मैं जो कह रहा हूं उसको गलत साबित करना।
ये सीएनएस का प्रॉब्लम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये नर्व्स का प्रॉब्लम है, ये मसल्स का प्रॉब्लम होता ही नहीं, ये जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता ही नहीं। आप सुबह दोपहर शाम जॉइंट्स पेन की मेडिसिन देते हैं, ये कतई मरीज ऐसे ठीक नहीं होता जब तक उसके नर्व्स की सेंसिटिविटी जो है वो कम ना की जाए। नर्व्स के अंदर इतनी सेंसिटिविटी होती है कि जरा सा पेन जो होता है वो हजार गुना बढ़ाकर बताता है उसको, और पेन पेशेंट जो होता है वो यही कहता है कि मेरे पट्ठों में दर्द हो रही है। ये पट्ठों में दर्द होती ही नहीं, ये नर्व्स का प्रॉब्लम है। और मैंने जो मेडिसिन बताई थी वो नर्व्स की जो माइलिन शीथ है, जो नर्व्स के ऊपर होती है माइलिन शीथ है, अब इसको समझाऊंगा तो लंबा हो जाएगा काम आपके लिए वीडियो ये, कि माइलिन शीथ को पावरफुल बनाने के लिए और माइलिन शीथ को तकवीयत देने के लिए उसकी जो नर्व्स की डिजनरेशन हो रही होती है उसको रोकने के लिए मैंने ये मेडिसिन दी है, कि जब तक नर्व्स के ऊपर जो माइलिन शीथ है वो रिपेयर नहीं होगी, दर्दों में कमी नहीं होगी चाहे कुछ दे लें। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले 10 दिन तक खबीरा गौसबान और खबीरा मरवारी ले, क्योंकि मरवारी के अंदर कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, जिंक भी होता है, और खबीरा गौसबान के अंदर भी बहुत कुछ होता है। मैं इसकी डिटेल आपको क्या करूं। तो बरादर जब लोग ये इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जी नर्व्स का कोई भी प्रॉब्लम हो उसके अंदर ये पहले इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, मेरा रब रहमत फरमाएगा कि ये ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लेट होता है, बहुत देर लगती है और आम मेडिसिन से आराम नहीं आता। इसके लिए बड़ी मेडिसिन जो हमारी मेडिसिन जैसे आप कहते हैं हाई पोटेंसी की मेडिसिन, हमारी मेडिसिन भी ऐसी ही देनी पड़ती है नर्व्स के प्रॉब्लम की जो हाई पोटेंसी होती है उनको देना पड़ता है। आम मेडिसिन से ये आराम नहीं आता, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नर्व्स का प्रॉब्लम होता है। बहरहाल डॉक्टर साहब इतना गुस्सा न करें, मैंने खबीरा गौसबान और खबीरा मरवारी इसलिए बताया था कि ये मसल्स का प्रॉब्लम नहीं होता। पढ़ के देख लीजिएगा, आगे डिस्कस करके देख लीजिएगा, लेकिन अभी तक आपकी साइंस जो है वो इसके अंदर नहीं आई, वो यही मसल्स के प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन हम जिसकी ट्रीटमेंट करते हैं उसकी न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम की जब नर्व्स की जब ट्रीटमेंट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच, आजमाइएगा, पढ़िएगा, देखिएगा। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।